मेरी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी फिश रह गई है, बाकी सारी बड़ी बड़ी फिश मर गई है मेरी। अल्लाह की शान है, देखे ना जिसको जिंदगी देना चाहे। छुप रही है, देखे देखे कैसे छुप रही है, इसको पता चल रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है। तो हमें और भी फिश डालनी है इसमें। अब असगर कब फारिग होंगे तो हम जाके फिर और फिश इसमें डालेंगे, फिर नन्ही मुन्नी फिश के साथ और भी फिश आ जाएगी। तो ये हूँ मैं। या अल्लाह, ये तो दूसरी शीट भी निकल रही है हमारी। या अल्लाह, असगर को मैंने बोला भी था आप लगा दो, पहले तो लीकेज का प्रॉब्लम था, अब तो लीकेज का प्रॉब्लम हल हो गया है, पर ये निकल चुकी थी पहले ही, तो अब वो जाहिर सी बात है अब स्टिक करनी पड़ेगी। मैं पूछती हूँ असगर कहाँ रह गए। असगर, असगर, क्या हो गया, कौन सा मैंने आपको तूफान आ कितनी गया? दफा बोला था कि असगर ये आप लगा दें। देखिए ये एक और शीट भी निकल रही है इसके साथ साथ, देख रहे हैं आप। अरे यार, असल में मेरे जहन से ही निकल जाता है, तुमने बोला था, सही कह रही हो, ये लेकिन और ये निकल जाएगी ना, फिर इसको स्टिक करना और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। क्या करूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, टाइम की शॉर्टेज है, काम है बहुत सारे और टाइम होता है कम, जिसकी वजह से हाँ, लगा तो पा ये रहा हूं। आपको अभी आज ही लगानी पड़ेगी किसी भी सूरत में, क्योंकि ये दूसरी शीट भी निकल रही है और परेशानी हो जाएगी मजीद, सही कह रही आप। मेहनत और आपकी बढ़ ये जाएगी। जैसे कि मेरी YouTube फैमिली को याद होगा कि ये मैंने बहुत मेहनत से इस दीवार पर पूरी शीट लगाई थी, और इसकी वीडियो मैंने व्लॉग बना के शेयर भी किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो हमारे पिछले व्लॉग्स में जाके देख सकता है कि ये पूरी दीवार का क्या हाल था और वॉलपेपर लगने के बाद क्या कैसी हो गई। हाँ, बिल्कुल और सही हमने ये हो। जब वॉलपेपर लगाया तो सबको बहुत पसंद आया था, जो भी हमारे घर में आता था वो यही बोलता था आपने इतना अच्छा वॉलपेपर लगाया बिल्कुल ऐसा है। ही, और सबने मुझे पूछा था कि आपने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। सही कह रही सबने कि दूसरा वाला भी निकल जाएगा इसके चक्कर में, तो अब ये है कि आज हम इसको लगा देते हैं हाँ, फाइनल आज फाइनल फाइनल। या इसको कंप्लीट करें और ये बिल्कुल सही करें, इसको ठीक है जी, चलिए पॉलिश मारे लग जाते हैं काम पॉलिश। पे मिस्त्री बन के। तो लग जाएं आप काम पे, मिस्त्री हमारे घर का। A few moments later. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने वॉल को जो है अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है इसका ग्लू बना लिया है, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि देखें इतना जो है हमें थिक रखना है इस टेक्सचर को। और अब हम चलते हैं और इसको वॉल पे लगाते हैं। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो ग्लू है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये ग्लू यूज़ किया था और इसको लगाया था, तो ये तकरीबन 1 से 1.5 साल जो है दीवार पे वॉल पे अच्छे से पेस्ट रहा, और अब जाके ये निकला है। तो अब दोबारा इसको हम आज ट्राई कर रहे लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा लीकेज का मसला हल हो चुका है। और आप लोग भी देख सकते हैं कि हमारी वॉल जो है बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुकी है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब ज़रा भी जो है हमारी वॉल पे जो है सीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है वो ऊपर से काम हो चुका है। और अब देखें मैं ये ग्लू को लगा देता हूँ अच्छे से, और फिर इस पर पूरा वॉलपेपर जो है पेस्ट करके आप लोगों को फिर इसका फाइनल लुक वॉल का दिखाता हूँ। तो जी फाइनली फाइनली देखें हमारा वॉलपेपर लग चुका है, और देखें कैसा लग रहा है अब इस वक्त, वॉल हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और पहले भी इसी तरीके से लगा हुआ था, बस ये है कि वो जो है सीलन की वजह से जो है 1-1.5 साल हो गया था इसको लगाए हुए, और अब जो है जाके ये निकल गया था वापस से, तो जो है अब मैंने दोबारा से आज पेस्ट कर दिया जैसे कि आप लोगों को दिखाया। और देखिए ये हमारी पूरी वॉल का फाइनल लुक है, ठीक है जी। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। The next day.
करने का जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ गए भी होंगे खैरियत से होंगे, और हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज है जुम्मे का दिन, तो सबसे पहले आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी खास दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह की रहमत के साथ आज जुम्मा मिला है माशाल्लाह। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, आप लोग देखिए ज़रा बारिश बारिश। तो ये खूबसूरत मौसम, जुम्मे का दिन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की दो दो रहमत है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आप सबको पता है कि स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को और प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिसने 5 लोगों को शेयर नहीं किया, एटलीस्ट 5 लोगों को तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो जाइए हमारे चैनल को जल्दी से शेयर कीजिए, और लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट तो प्यारा सा करते हैं, और जो नहीं करते वो भी कर दीजिए। और आज तो भाई जुम्मे के साथ साथ मौसम कोई बना हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह हसीन तरीन मौसम है। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक की रहमत है वाकई के जुम्मे का दिन है, और सुबह से जो है वो बारिश की बारिश हो रही है कराची में। बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता कि बाकी सिटीज़ में मौसम कैसा है, ये तो आप लोगों के कमेंट से पता चलेगा, लेकिन कराची का वेदर तो बहुत ही औसम माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आए तो थोड़ा सा आपको वेदर का व्यू करवाता हूँ, और यहाँ पर जो है वो समरीन खड़ी हुई हैं बेलकनी में, बास्केट डाल के खड़ी हुई है, बास्केट भी कह सकते हैं, छल्ली भी कह सकते हैं। एक हमारे प्यारे से भाई कहते हैं, बोलते आप छल्ली कहते हो, हाँ एक भाई मेरे प्यारे से कहते हैं कि आपने छल्ली बोला, तो बोला छल्ली तो गुजराती वर्ड है, मैंने बोला बिल्कुल जी छल्ली गुजराती वर्ड है, और हम लोग गुजराती तो समरीन आपने छल्ली डाली भी क्यों है ये तो बता दीजिए। तो शॉपकीपर से समरीन ने मंगवाया है सामान, और वेदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले जब तक सामान आ रहा है, और मैं आपको थोड़ा सा वेदर दिखा देता हूँ कि वेदर आज कैसा है। और ये देखे रोड पे जो है ये सारा आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो ये सुबह से जो है कराची का वेदर माशाल्लाह बड़ा ही कोई प्यारा सा बना हुआ है, और बारिश स्टार्ट ही है सुबह से हल्की हल्की। और अब आप वेदर देखें, आसमान देखें माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त, ये है आज का कराची का वेदर जुम्मे के दिन का। देख सकते हैं आप पूरा आसमान जो है वो काली बादलों से ढका हुआ है इस वक्त, और सुबह से मुसलसल बारिश हुए जा रही है। तो इस हसीन और ख़ूबसूरत मौसम में, जैसे कि आप लोगों को बाहर दिखाया है कि बारिश हो रही है, तो मैंने समरीन से फरमाइश की थी नाश्ते में कुछ बनाने के लिए, और क्या बनवाया है मैंने नाश्ते में तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, और आज मैंने समरीन से फरमाइश की थी कि आप मुझे मिर्चों और प्याज वाला ऑमलेट बना के दीजिए, मुझे आज ये खाने का दिल हो रहा है। उसके साथ जो है समरीन ने स्लाइस को फ्राई किया हुआ है, और हमारी गर्मा गर्म चाय है। तो जो है हम अब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारी सुबह हुई है अभी, तो चले जी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आप लोग भी आ जाए हमारे साथ इस हसीन से मौसम में, अगर ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो आ जाए हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ। असगर गए हैं शावर लेने, और मैंने उनके कपड़े निकाल दिए हैं और प्रेस कर दिए हैं, और मैं भी यहाँ हो गई हूँ रेडी। और ये देखिए मेरा लुक, आप सब कमेंट कीजिएगा मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा मुझे। इसके शावर लेकर निकल चुके हैं जी, तो मैं भी हो चुका हूँ रेडी, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग रेडी इसलिए हुए हैं, काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप लोगों के शॉर्ट्स नहीं आ रहे, तो कुछ मसरूफियात थी, कुछ अबू की तबीयत की वजह से भी, और कुछ घर की मसरूफियात भी थी, तो उस वजह से हम शॉर्ट्स वगैरह नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ शॉर्ट्स बना दें, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो चले जी इसलिए हम लोग हुए रेडी, और अब बनाते हैं शॉर्ट्स, और जो है वो इंशाल्लाह आपको शॉर्ट्स भी देखने मिलेंगे हमारे चैनल पे अब से। तो प्लीज़ शॉर्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। जो न्यू है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Two hours later. हम लोग हमारी बिल्डिंग की रूफ पे आ चुके हैं, और रूफ पे आने की वजह यह है कि एक तो मौसम आप देखें कि कितना सुहाना और ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, और ये देखें आप बिल्कुल काले काले बादल आ रहे उस तरफ से, आप लोग देख सकते हैं।
मैंने और समरीन ने डिसाइड किया कि चले घर में लाइट भी आना जाना कर रही थी, तो हमने सोचा चले छत पे चलते हैं और क्यों ना इस सुहाने से मौसम को एंजॉय करें। और समरीन से पूछते, समरीन मज़ा आ रहा है भाई आपको छत पे? हाँ, इतना अच्छा मौसम और बारिश, और कराची में तो ऐसे इतनी कम बारिश होती है, बिल्कुल तो यही एंजॉय करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे छत पे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप देख सकती समरीन भी जो है वो भीग रही है और मैं भी जो है वो भीग रहा हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और वक्फे से हमारे यहाँ कराची में बारिश जो है वो चालू है। और देखें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ सामने, ये देखें कराची का वेदर देखें आप, माशाल्लाह। और सारे काले बादल देखें इस तरफ से आ रहे, और ये कौवे देखें बेचारे किस तरीके से बैठे, गीले गीले हो रहे सारे कौवे। और यहाँ पे देखें हमारी छत पे जो है ये कुंडे रखे हुए पानी के परिंदों के लिए, ये आप देख सकते सारे कुंडे। और कहते समरीन के इस बारिश में जो है खुले आसमान के नीचे दुआ करनी चाहिए, तो वो कबूल होती है? हाँ ज़रूर, अल्लाह की रहमत होती है बारिश, तो इस बारिश में दुआएं मांगनी चाहिए, तो अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को हल करे, हम सब की परेशानियों को दूर करे, हम सब को करबला बुलाए, आमीन। हम सब को ईरान, इराक, शाम, करबला और मक्का मदीना खुदा का घर देखना नसीब। ज़रूर ज़रूर, आमीन 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 इंशाल्लाह। और जो है इसी दुआ के साथ जो है हम आप सबके लिए दुआ गो है कि अल्लाह पाक आप सबकी भी तमाम जायज़ हाजतों को कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। और सकलेन से पूछते, सकलेन इंजॉय कर रहे हैं आप? आज बहुत मज़ा आ रही है। और आज सकलेन की कोचिंग की भी छुट्टी हो चुकी है, है ना? बच्चों ने बहुत दुआएं की और बारिश मुसलसल चालू है, जिसकी वजह से आज इनकी कोचिंग की भी छुट्टी हो गई। और आप सोच रहे होंगे कायनात जहरा का है, तो कायनात जहरा को हम घर में छोड़ के आए हैं, क्योंकि वो दादा के पास है। हमने कहा कि भाई एक बंदा तो दादा के पास रहना मस्ट है, तो हम ऊपर आ गए। समरीन एक काम करते हैं, आज यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट्स बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये देखें ये हमारी पूरी छत है, काफ़ी बड़ी छत है हमारी, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी छत है। और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है इस वक्त भी, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा हल्की हल्की बारिश हो रही है। और चलते हैं आपको अलम पाक दिखाते हैं, गाजी अब्बास अलमदार बाबुल हवाइज का अलम हमारी छत पे, ये देखें सलामत है माशाल्लाह। और देखें आमीन आमीन इंशाल्लाह। और देखें आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि हमारी छत का आलम पाक कैसा लग रहा है माशाल्लाह। लाइटनिंग जो है वो जल रही है इस वक्त, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें इन्होंने ये टाइल्स का पूरा ये बनाया हुआ है, और ये देखें माशाल्लाह मौसम भी कितना हसीन हो रहा है इस वक्त कराची। और समरीन कबूतर नहीं, कौवे भी गीले गीले हो गए हैं। हाँ मैंने अभी दिखाए भी, और ये देखें आप यहाँ पे कितने सारे कौवे। तो चले जी अब बनाते फटाफट से शॉर्ट, ऐसा नहीं बारिश तेज़ हो जाए और हम फिर शॉर्ट बना ना पाए। तो चले सकलेन है साथ में, सकलेन हेल्प कर देंगे और हम फटाफट से शॉर्ट्स बनाते हैं। हम नीचे आ चुके हैं, और पहले हम गए थे छत से उतरे, तो पहले हम गए थे समरीन की सिस्टर के घर पे, हमने बोला चले नीचे उतर रहे तो उनसे भी मुलाकात कर लेते, और काफ़ी देर वहाँ पर भी बैठे, बहुत मज़ा आया और चाय वगैरह पी। और अब जो है हम नीचे अपने घर पे आ गए हैं, और समरीन यहाँ बैठी है और पता नहीं क्या चीज़ सोच रही हैं अभी। और यहाँ पे देखें हमारे घर पे आज कौन आया है, आयजा आई है हमारे घर पे। हेलो करो आयजा। तो आयजा आज हमारे घर पे रुकने आई है ना आयजा, तो आयजा आज हमारे साथ साथ आ गई है। ऊपर से जब हम लोग गए थे तो आयजा ने बोला मैं आज खाला के घर रुकूँगी, तो आप लोग जाके दोनों जो है वो खेलो कायनात और आयजा। वापिस अभी ऊपर जाओगी आप, फिर वापस नीचे आओगी? तो अच्छा, पेपर मेरे खत्म हो चुके हैं, तो आज मेरी मस्तियाँ शुरू हो जाएंगी। ओए होए, यहाँ पे जो है मस्तियाँ तो बनती है, मस्तियाँ तो जो है ना इन लोगों की खत्म होने वाली नहीं है कभी भी। और अब तो पेपर्स खत्म हो गए, तो अब तो और मस्तियाँ होगी इन लोगों की। और समरीन आप क्या सोच में लगी हुई हो, क्या कर रही हो आप मोबाइल में? डिनर में क्या बनाऊं, तो अब ये तो बड़ा एक मुश्किल डिसीजन है, खास तौर पे रोजाना का लेडीज के लिए कि आज क्या बनेगा मेन्यू में। A few moments later. तो जी आज तो मजा ही आ गया, बारिश में हम ऊपर गए छत पे और बहुत एंजॉय किया, और आप सबको भी एंजॉय कराया। आज जो है मौसम ने किया दमाल और हमने किया कमाल।
और हमने किया धमाल। तो चले जी, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा और तो बताइएगा। इसमें कम से कम मुझे 200 से ऊपर लाइक तो मिल ही जाने चाहिए। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट, 200 से ऊपर लाइक तो होने ही चाहिए और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आने चाहिए। तो फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल के बटन को ऑन पे कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और जिसने शेयर नहीं किया है वो अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, फैमिली में और जो जो आपके साथ है उनको सबको शेयर कर दीजिए। और समरीन ये तो बता दो, आज ये मैंने वॉलपेपर लगा दिया, आपका काम कर दिया ये वाला, तो ये अब तो खुश हो ना आप? ये हमारी दीवार होगी सेट, चीजों को भी देखना है, सेट करना है रमजान से पहले। इनशाला हमारे यहाँ सब सेट हो जाए ताकि हम रिलैक्स हो जाए रमजान में, ताकि सारी इबादत कर सके, इबादत भी कर सके सुकून के साथ। और रमजान में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर पे जश्न होता है इंशाल्लाह, इसलिए थोड़ा सा काम कम हो जाएगा हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी चले, लेते हैं आपसे यहीं पे इजाजत, फिर मिलेंगे अच्छे से किसी नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ऐसा अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज।